हेलो एंड वेलकम मेरा प्यार भरा सलाम आप सभी को आज हम बनाने वाले हैं मटन आलू गोश्त रेसिपी जो कि हम ट्रेडिशनल वे में बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है सबको एंड क्विकली रेडी हो जाता है और ये किसी भी ओकेजन के लिए परफेक्ट रेसिपी है तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मटन का गोश्त लिया है ये अप्रॉक्स 250 फिफ्टी ग्राम्स है मतलब पाव भर गोश्त हम यूज़ कर रहे हैं इसे अच्छे से वॉश करके हमने स्ट्रेनर में रख दिया है इसके बाद हमने यहाँ पे प्याज का पेस्ट लिया है ये वन मीडियम साइज़ प्याज को हमने पीस लिया है उसके बाद हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज को चॉप कर लिया है जो हम फ्राई करेंगे और हमने लहसुन एंड अदरक का पेस्ट लिया है ये हम वन वन टेबल स्पून यूज़ करेंगे हमने ज़्यादा क्वान्टिटी पीसी है हम इसे स्टोर करेंगे सारा यूज़ नहीं करेंगे इसके बाद हमने एक प्रेशर कुकर लिया है उसको अच्छे से हीट करने के बाद इसमें हमने ऑयल एड आड़ ऑन करा है हमने अप्रॉक्स 200 हंड्रेड ऑयल ऐड एड ऑन करा है जब ऑयल हीट हो जाएगा तब हम अनियन एड ऑन करेंगे मीन वाइल हम अपने स्पाइसेस निकाल लेते हैं हम यहाँ पे वन टेबल स्पून नमक यूज़ करेंगे वन एंड हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे एंड टू टेबल स्पून हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे तो ये सारे स्पाइसेस हम यूज़ करने वाले हैं हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है अब हम प्याज ऐड ऑन कर देंगे एंड अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे हम तब तक ये फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं अब इस स्टेज पे जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे गोश्त हमने चाप वाला गोश्त बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करा है एंड इसे हम बहुत ही आराम से तेल में ऐड ऑन कर देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे अभी इसका कलर पिंक है फ्राई होने के बाद ये लाइट पिंक या वाइट कलर में चेंज होगा जैसे ही हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा एंड ये वाइटिश लग रहा है तब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे प्याज का पेस्ट ये हमने वन मीडियम साइज प्याज का पेस्ट बनाया था इसे हम फुल एड ऑन कर देंगे और इसे हम अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे इसके बाद हम ऐड ऑन करेंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले पीस के रखा था ये हम ऐड ऑन करेंगे वन टेबल स्पून फिर हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट ये भी हमने वन टेबल स्पून ही लिया है फुल इन्हें भी हम ऑयल में मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट तेल में अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे वन टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड ऑन करेंगे और वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टू टेबल स्पून हम धनिया पाउडर ऐड ऑन करेंगे ये सारे मसाले भी हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे हम इन्हें तब तक के फ्राई करेंगे जब तक के मसाले और तेल अलग नहीं हो जाता है मतलब मसाला तेल छोड़ देगा और आप देख पाएंगे मसालों का कलर भी चेंज हो गया है इसके बाद हम ऐड ऑन करेंगे पानी गोश्त को गलाने के लिए हम इतना पानी ऐड ऑन करेंगे कि हमारी सारी बोटियाँ डिप हो जाए मतलब अच्छे से भीग जाएँ इसके बाद हम कुकर की लिड को क्लोज कर देंगे और हम एक सीटी लेंगे एक सीटी आने के बाद हम इसे धीमा कर देंगे तो हमारी पहली सीटी आ चुकी है अब हम इसे लो हीट पे 15 मिनट के लिए अप्रॉक्सीमेटली और पका लेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए मीनवाई हमने चार मीडियम साइज़ आलुओं को बड़े बड़े साइज में काट लिया है एंड इन्हें पानी में भिगो दिया है पंद्रह मिनट हो गए हैं अब हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल चुका है एंड कुछ ऐसा लग रहा है अब इस स्टेज पे हम आलू ऐड ऑन करेंगे आप चाहें तो आलू को फ्राई करके भी डाल सकते हैं बट हमने आलू को फ्राई नहीं किया है एंड ऐसे ही डाला है अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे वन बाय फोर टी स्पून होम मेड गर्म मसाला इसको मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर की लिड क्लोज कर देंगे एंड एक सीटी ले लेंगे ताकि हमारे आलू गल जाए उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग बोल में निकालने के लिए तो हमारा मटन आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें एंड हमें बताएं आपको ये कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी लेटेस्ट फूड रेसिपीज एंड ब्लॉग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे तो उन्हें भी जरूर चेक आउट करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड